सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी भी पीर वालों की बातों को लेकर के पति पत्नी को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। आज सजनों, पति पत्नी की तो कोई बात ही नहीं होती है। ये जितना झगड़ा होता है ना, ये या तो ससुराल वालों को लेकर के होता है या पीर वालों को लेकर होता है। अब उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, उन दोनों का तलाक हो जाता है। वो महाराज एक वहां बैठा एक वहां बैठा, दोनों परेशान रहते हैं। दोनों ही छोड़ करके चले जाएंगे, पर वो दंपत्ति जो पति पत्नी थे वो जिंदगी भर बिछड़े रह जाते हैं। इसलिए देखो, कोशिश करनी चाहिए किसी को जोड़ने की। कोशिश ये कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारे कारण से किसी का रिश्ता टूटे। तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, पति और पत्नी को जब कोई जोड़ देता है ना, तो जोड़ने के बाद में जो उनके द्वारा सृष्टि होती है, ये ब्रह्मा जी का कार्य है। और अगर आप पति पत्नी को विलग कर देते हो, अलग कर देते हो, चाहे वो सास हो, जेठानी हो, देवरानी हो, चाहे वो ननद, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पीर वाला हो, ससुराल वाला हो, पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर अलग कर देते हैं तो आपने पंगा उनसे नहीं लिया है, आपने पंगा जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा से लिया है। पर आपके जीवन में कभी आपका भला हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी किसी पति पत्नी के बीच में हमारे कारण दरार न आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा अपराध लगता है। और कभी पति को, घरवाली को, पीर वालों को लेकर, ससुराल वालों को लेकर के कभी झगड़ना नहीं चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना, अगर दो की बिगड़ जाए तो कोशिश करो बनाने की, आग लगा करके अलग करने की कोशिश मत करो। किसी को मिलाने की कोशिश करो, किसी को तोड़ने की कोशिश मत करो मेरे भाई।